Hey guys, welcome to Physics in Playground. देखो पेपर मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने कुछ नहीं निकाला, पर पेपर मेरे पास आ गया तो मैं बताता हूँ। आप लोग मिला लेना, पहले से डला हुआ है, ठीक है। 100 क्वेश्चन डायरेक्टली मेरे नोट्स से, मेरे बायोलॉजी में ही बता रहा हूँ मैं। बायोलॉजी में मतलब जितना रिप्रोडक्शन हो गया, ठीक है, पूरा बताया था रिप्रोडक्शन के बारे में, A to Z रिप्रोडक्शन का वहीं से आया है, ठीक है। इवोल्यूशन से बताया था आपको, हुगो डी वेरीज का पूरा कहानी बताया था, हुगो डी वेरीज का नोट्स के साथ दिया था। नोट्स अगर बोलोगे तो मैं दिखा भी दूंगा आपको, ठीक है। ये देखो, ये आप सामने आपका नोट्स, यहाँ पर नोट्स, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको जितना कुछ बताया था, ठीक है, वो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया। देखो यही है, ये प्लांट किंगडम हो गया, इधर आ जाओ। देखो ये हो गया रिप्रोडक्शन का, तो रिप्रोडक्शन में पूरा मैंने बता दिया था क्या है क्या नहीं है, ठीक है। और एक्स्ट्रा चल के भी बताया था एक टॉपिक प्रेगनेंसी के बारे में बताया था, फिर से इधर सारा कुछ बताया था IUDA के बारे में, नॉन इमीडिएटेड हार्मोन रिलीजिंग IUDAs, प्रोगेस्ट्रोजन और LNG20। एक पन्ना का ये नोट्स था और यही क्वेश्चन आया NEET 2000 इसमें, तो मैंने बताया था ये चीज़, ये डायरेक्ट आ गया। फिर से और एक क्वेश्चन वहीं से आया था, ये चीज़ आपको 10 बार कम से कम बताया होगा। लास्ट डे का वीडियो देखना, 2 दिन पहले डाला था, इमेज के साथ होगा रिप्रोडक्शन का, ठीक है। पूरा कहानी बताया था कि ये चीज़ याद रखना, सेमनीफेरस ट्यूबुल फिरेटी टेस्टिस वास डिफरेंस एपिडाइडेमिस वास डिफरेंस यूरिनरी ब्लडर यूरेथ्रा। एग्जैक्ट 2 कॉपी उठ करके आया, 2 कॉपी मतलब 2 कॉपी यहाँ से उठाएं वहाँ पे डाल दिए, उसी को बोलते हैं 2 कॉपी। ये 2 कॉपी आया। पोलर बॉडी के बारे में बार बार बताया था, सेकंड पोलर बॉडी का क्या कहानी होगा क्या कहानी नहीं होगा, ठीक है, डायग्राम के साथ आपके सामने है। और जितना क्वेश्चन था, मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना क्वेश्चन था वो आपको सारा मैंने बता दिया था। बायोटेक्नोलॉजी का आपका एक क्वेश्चन आया है, बायो रिएक्टर, ठीक है, तो वो भी बताया बायो रिएक्टर क्या होता है, NCERT में है। प्लस आप लोगों का एक और क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन रिकॉम्बिनेंट DNA ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से नहीं था, वो कुछ और क्वेश्चन था, वो मैं आपको, हाँ, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से क्वेश्चन था, तो वो भी यहीं से था। और मैं आपको बताता हूँ, ये देखो स्टेबलाइजिंग और स्टेबल नहीं, ये देखो ये आपका आ गया, ये चीज़ माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आया, देखो NEET 2019 में लिखा हुआ है और उठ करके आया, यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से, और उठा करके आप लोग देख लेना, ये मैंने पढ़ाया ऐसा नहीं कि मैंने अभी लिखा, पहले से ही लिखा हुआ था, बता दिया था NEET 2019 में आएगा, मतलब आएगा और आया है। एस्परजिलस नीगर साइट्रिक एसिड लैक्टोबेसिलस लैक्टिक एसिड NEET 2019 में ये भी था, साइक्लोस्पोरिन ए, स्टेटिन्स क्या होता है क्या नहीं होता, सारा कुछ है यहाँ पे, ठीक है। स्टेटिन्स यहाँ नीचे है और ये स्टेटिन शूट करके आया था, ठीक है। और भी मुझे था कि और भी आएगा, ये सब भी बताया था कि NEET 2019 के लिए इंपॉर्टेंट, पर नहीं पूछा गया, यहीं पूछ लिया गया, तो उसमें अब क्या किया जा सकता है। सेचरोमाइसिस सर्विसेज, ठीक है, ब्रेड के लिए ये है, तो ये भी आपको मैंने बताया, देखो ब्रेड लिखा हुआ है यहाँ पर। और आपको आ जाइए, अब कहाँ पे हम लोग आते हैं, अब हम लोग आते हैं इन ब्रीडिंग में। तो ये देखो इन ब्रीडिंग का पूरा आपका नोट्स यहाँ पे पड़ा हुआ, इन ब्रीडिंग इंक्रीज होमोजाइगोसिटी नेसेसरी इफ यू वांट प्योर लाइन, हार्मफुल रिसेसिव जीन डेट आर एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन। ये तीनों का तीनों ऑप्शन, एक ABCD का भी मिसमैच नहीं है, 2 कॉपी एग्जैक्ट उठा करके लिखा हुआ है, 4th ऑप्शन गलत है, ठीक है, जो कि आउट ब्रीडिंग से है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपको आया है। फिर आपका इवोल्यूशन आता है, तो इवोल्यूशन का भी मैं दिखाता हूँ, इवोल्यूशन से भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये इवोल्यूशन, तो इवोल्यूशन का नोट्स मैंने दिया था आपको, ये बताया था P² + 2PQ + Q² = 1, और यहाँ एक न्यूमेरिकल सॉल्व करवाया था P = देखो ऐसे न्यूमेरिकल, एग्जैक्ट 2 कॉपी न्यूमेरिकल भी 2 कॉपी उठ करके आया है, 0.16 आया डोमिनेंट के लिए, 48% मतलब 0.48 आया तुम्हारा हेट्रोजाइगस के लिए, और निकाल लो बाकी उसका 0.32 आ जाएगा रिसेसिव के लिए, 2 कॉपी, ठीक है। जबकि ये सबसे नहीं बनेगा, जो यहाँ पढ़ा है और जो अच्छे तरीके से पढ़ा उसी के बस की बात है, ये क्वेश्चन सबके बस की बात नहीं है, एग्जैक्ट वहाँ पे जा करके रॉकेट साइंस लगाना, जो पढ़ के गए हैं जिनको मैंने बताया उन्हीं से बनेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे
और भी आपका आया था हुगो डिवेरीज का, मैंने आपको बताया था, देखो ये वाला, ये हुगो डिवेरीज, और यहाँ का बताया था कि म्यूटेशन आर रैंडम एंड डायरेक्शन लेस, इन्होंने कहा था, बट डार्विनियन वेरिएशन आर स्मॉल एंड डायरेक्शनल, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। तो इवोल्यूशन से दो क्वेश्चन आया, दोनों यहीं से आ गया। रिप्रोडक्शन से है, यहीं से है। होमो सेपियंस होमो हैबिल्स, देख लो होमो सेपियंस का तुम्हारा आइस केज इतना इतना होता है। नीदरलैंड का ब्रेन के साइज 1400 cc, हुमेन इरेक्टस ब्रेन साइज 900 cc, होमो हैबिलिस 650 से 800 cc। तो अब दिखाऊंगा तो मैं पूरा एक एक क्वेश्चन आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है। एक एक क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, दिखा सकता हूँ। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से लेकर के जेनेटिक्स, सारा कुछ यहाँ से उठ करके आया। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री 200 कॉन्सेप्ट दिया था वहाँ पे, 2 copy paste बोला था आएगा आपका, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, ठीक है, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, वो आ गया आपको डायरेक्ट, ठीक है। 10 बार कम से कम बोला, और जी मेंस का भी पेपर बताया था कि लिंडलार कैटलिस्ट और बीच रिडक्शन किसे कहते हैं, तो लिंडलार कैटलिस्ट और बीच रिडक्शन भी बताया, ठीक है। फिर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बताया था, पूरा का पूरा नेमिंग रिएक्शन ही रख दिया था आपके पास। तो जो यहाँ से पढ़े ऑर्गेनिक में एक क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। 100% ऑर्गेनिक सही होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। नाइलॉन 6 6, ठीक है, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। बालमर याद करो, ये एक स्टूडेंट ने मुझे बताया भी था कि 2 से 5 जाएगा, ठीक है। मैंने 5 से 2 बता दिया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन नंबर 4 या 5 जेई मेंस का, ठीक है। तो उसने करेक्ट किया कि 2 से 5 जाएगा बालमर सीरीज का, विजिबल राइट, 2 copy बताया था, ठीक है। पिरामिडल किसे कहते हैं, किसे नहीं, ये सारा कुछ बता दिया था। बोला था कि इंट्रोपी या इंथेल्पी से एक क्वेश्चन आपका आएगा, तो इंट्रोपी इंथेल्पी से एक क्वेश्चन आया। और कैसे डेल्टा एनजी निकालते थे ये भी सिखाया था, प्रोडक्ट में से इसको घटाते थे, ठीक है। यहाँ पे देख लो ओजोनोलाइसिस 10 बार बताया था आपको, ओजोनोलाइसिस क्या होता है, तो ओजोनोलाइसिस का कहानी है। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, पॉलिश एक्सप्लूशन रूल्स या जो भी वो था, 1H2 2H2 2P6 3H2, उस तरह से एनर्जी निकालना, तो उस तरह से एनर्जी सिखाया था। एटॉमिक स्ट्रक्चर उठा करके देख लो, ज़्यादा दिन नहीं, 10-20 दिन पहले डाला था मैंने, ठीक है। फिर ये हो गया टूलिन है, टूलिन को ऑक्सीडाइज करेंगे तो हम लोगों का बनेगा कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक को फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे। 2018 में क्या पूछा था, ये चीज़ ए एंड बी दे दिया था, और ए एंड बी पूछा था, ठीक है। और नीट 2019 में ये चीज़ पूछ लिया, तो वो ये चीज़ होता है, इससे बनता है ये। ये बताया था आपको कि ये गैब्रियल पेथलडिमाइड रिएक्शन का कहानी बताया था, ठीक है। गैब्रियल पेथलडिमाइड आपको दिखाया था, वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आपका इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन करता है, ये चीज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जा करके जेई मेंस का पेपर जो मैंने सॉल्व कराया था उठा करके देख लो, 1×10^10 रटा हुआ होना चाहिए आपको, ठीक है। और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, ये देख लो अमीन का नोट्स, अगर मेरे पास तो अभी यहाँ एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। अमीन का नोट्स अगर आप लोग देख सकते तो वो जा करके देख लो, या मेरा 200 कॉन्सेप्ट देख लो, 200 कॉन्सेप्ट में अमीन का कहानी पूरा दिया है कि इथाइल होगा तो क्या होगा, मिथाइल होगा तो क्या होगा, ठीक है। एम्पोटेरिक साफ साफ लिखा हुआ है 200 कॉन्सेप्ट में, एम्पोटेरिक कौन सा है उठा करके देख लो। अगर मेरे पास होता तो मैं आपको बगल में होता तो है तो मेरे पास, पर बगल में नहीं है, ठीक है, होता तो मैं आपको दिखा देता ये चीज़। डायरेक्ट डेल्टा जी इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उठा करके देख लो, NgFe, ठीक है, उठाओ और देखो सब चीज़ डला हुआ, ऐसा कोई नहीं कि मैं अपने से बता रहा हूँ। लिंडलार कैटलिस्ट बीच रिडक्शन 15 से 20 बार मैंने आपको पढ़ाया, एक बार पढ़ाता तो बात था, 15 से 20 बार, ठीक है। 2016 का पेपर करवाया था नीट का, जेई मेंस का पेपर करवाया था, वहाँ था आपका ये वो चीज़, 2 से 3 दिन पहले एग्जाम से, 3 से 4 दिन पहले जेई मेंस का केमिस्ट्री का पेपर करवाया था, देख लेना, ठीक है। ये चीज़ क्वेश्चन डाल रहा था जब मैं, 45 क्वेश्चन फ्रॉम एवरी चैप्टर, उस 45 क्वेश्चन फ्रॉम एवरी चैप्टर से हर एक चैप्टर में से क्वेश्चन उठ करके आए हैं, ठीक है। हर एक चैप्टर में से क्वेश्चन उठ करके आए हैं सिमिलर, ठीक है, जैसे रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये भी बताया था आपको, ठीक ना, कि क्या चीज़ होगा, कैसे निकालते हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। वर्क डन इक्वल टू लास्ट में थर्मोडाइनमिक्स का एक लेक्चर डाला था, थर्मोडाइनमिक्स का लास्ट में, ठीक है। तो वो भी मैंने आपको बता दिया था, थर्मोडाइनमिक में वर्क डन इक्वल टू पी डेल्टा वी, तो डायरेक्ट है यार, अब इसमें कुछ मैं नहीं कर सकता। अब जो पढ़े थे
बिना से ढंग से, तो उनके लिए 100 क्वेश्चन 120 मैं बोलता हूँ। देखो मैं जानबूझ करके ऐसा नहीं कि 180 में बोल दूँ कि 170 में नहीं थे, नहीं ये काम गलत है। 120 मतलब 480 मार्क्स ईजिली स्कोर कर सकते हैं ईजिली, अगर जो नोट्स पढ़े थे ठीक है, 480 और 500 मार्क्स ईजिली आ सकता था। कॉपी पेस्ट है यार, कॉपी पेस्ट को ऐसे टिक मारना रहता, उसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना रहता, ठीक है ठीक है। और दिखा भी दिया क्वेश्चन, और बायोलॉजी का ये जो नोट्स रहा पूरा का पूरा, आप मेरा ह्यूमन फिजियोलॉजी का देख लो, ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक भी क्वेश्चन अगर आपका बाहर आया होगा, एक भी क्वेश्चन बाहर आया होगा ह्यूमन फिजियोलॉजी से मेरे नोट से, तो आप बता देना ठीक है। सिंगल क्वेश्चन 100% मेरे नोट से क्वेश्चन था, अब उसको जो ढंग से पढ़ेंगे सही से होगा ठीक है। नोट्स मेरे पास कुछ नोट्स हैं, सेल का नोट्स है, तो सेल का नोट्स में मैंने आपको बताया था लाइजोसोम्स के बारे में, लाइजोसोम्स के बारे में बताया था। तो देखो लाइजोसोम्स फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन गोल्गी एपरेटस, कहाँ पे गोल्गी एपरेटस, बस खत्म कहानी यही तो है, वहाँ गोल्गी एपरेटस हटा के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखा हुआ है, तो खत्म कैंसर ठीक है। और क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा है ठीक है, ये था कि इसमें आपका मेम्ब्रेन बाउंड होता है, कौन सा मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, कुछ ऐसा क्वेश्चन था ठीक है। तो ये सब सारा ये पे माइटोकॉन्ड्रिया से क्वेश्चन था, तो माइटोकॉन्ड्रिया में देखो यहाँ बताया था साइट ऑफ क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन देयर ओन डीएनए और फॉर्म्स इनर कंपार्टमेंट मैट्रिक्स, इसमें लिखा हुआ नहीं है पर ये मैंने आपको बताया था कि सेल रिस्पिरेशन होता है और अंदर में होता है ठीक है ठीक है। तो 2 से 3 क्वेश्चन था इस चैप्टर से, यहीं से आया पूरा, मैंने पेपर अभी पूरा नहीं देखा, जब देख लूँगा तो और अच्छे से बताऊँगा। तो ईजिली किया जा सकता था और मैंने बोला था आपको कि बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलो जिनका सही किया होगा प्लीज़ कमेंट करना ठीक है, और जिनका सही नहीं किया तो जिनका सही नहीं किया टेंशन मत लो, कोई दिक्कत नहीं है, एम्स है ना यार, एम्स में भी फोड़ेंगे ठीक है, भरोसा रखो बस, एम्स में भी फोड़ेंगे। और भरोसा क्या रखना है यार, सारा कुछ आपके सामने मैंने रख दिया है, 45 क्वेश्चन ठीक है पर चैप्टर डाले थे मैंने, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो या वो मैग्नेटिक्स हो या पूरा फिजिक्स हो ठीक है, सेमीकंडक्टर से लेकर सारा कुछ उठाओ, 45 क्वेश्चन डला हुआ है मिला लो। केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चन मैक्सिमम चीज का डला हुआ है, जेई मेंस का पेपर करवाया था, लास्ट तक भी करवाया था जेई मेंस का पेपर, तो वहाँ से उठा करके देख लो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट था ठीक है, तो आपको हो जाएगा। बायोलॉजी का नोट्स जितना नोट्स डाला है, जेनेटिक्स का हो नोट्स या इवोल्यूशन का नोट्स हो या ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का नोट्स हो, ह्यूमन हेल्थ डिजीज का नोट्स हो, पूरा उठा करके देख लो। एक भी क्वेश्चन अगर अभी आपको दिखाई दिया मैंने, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं किया, रिप्रोडक्शन हो, और ये भी मैंने लिख भी दिया है कि ये नीट 2019 के लिए इम्पोर्टेंट है ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये है, कट ऑफ लैक बता दिया था मैंने ठीक है, और पेपर सही है, पेपर कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं था, पेपर अच्छा था, तो टेंशन मत लेना। अगर जिसका अच्छा चला गया कमेंट करना, और जिसका सही नहीं किया मतलब कुछ मार्क्स से चूक जा रहा है तो कोई टेंशन नहीं, एम्स है, एम्स का एग्ज़ाम में हम लोग फोड़ देंगे, विश्वास रखो एम्स का एग्ज़ाम में हम लोग फोड़ देंगे ठीक है, 102% फोड़ देंगे एम्स का एग्ज़ाम में। कैसे बता रहा हूँ मैं, फिजिक्स में आपको करवाऊँगा 100% फिजिक्स में करवाऊँगा, मुझे मालूम है मैंने भी अच्छे परसेंटाइल एम्स में दिए थे तो लाए थे ठीक है, फिजिक्स में अच्छा परसेंटाइल था मेरा, मतलब क्या बताऊँ, केमिस्ट्री से लाख गुना ज़्यादा अच्छा परसेंटाइल था, फिजिक्स में 90+ कुछ था ठीक है। और केमिस्ट्री भी मैं बताऊंगा आपको क्या करना क्या नहीं, और बायोलॉजी एक चीज़ एनसीईआरटी पढ़ना है और कुछ नहीं ठीक है, पर ढंग से पढ़ना है एनसीईआरटी को ठीक है, जैसे वहाँ पे पी स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल इवोल्यूशन में, पर वहाँ से मैंने न्यूमेरिकल बताया था 0.16 करके, अभी जो आपको दिखाया एग्जैक्ट 2 copy-paste आया, और ये एनसीईआरटी का चीज़ नहीं है, एनसीईआरटी में ढूंढ लो नहीं मिलेगा वो चीज़ न्यूमेरिकल ठीक है, पर ये मैंने आपको करवा के भेजा था और 2 copy आ गया, और यही तो कंपटीशन है, इजी क्वेश्चन तो सब करेगा पर टफ क्वेश्चन ही तो कंपटीशन है, और टफ क्वेश्चन ही आप लोगों को रैंक दिलवाएगा, और रैंक टफ़ी क्वेश्चन दिलवाएगा ठीक है, अच्छा रैंक। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम,
एम्स के लिए बता रहा हूँ मैं, एसेशन रीजन पे ध्यान देना स्टार्ट करो। एसेशन रीजन न्यूमेरिकल तो है नहीं, 60 क्वेश्चन लड्डू आएंगे, ठीक है। लड्डू मतलब एसेशन रीजन आएंगे, मतलब इसमें लड्डू नहीं बोलूँगा, इसमें मतलब न्यूमेरिकल नहीं है, ठीक है। दिमाग नहीं लगाना है इसमें, कॉन्सेप्ट लगाना है, कैलकुलेशन नहीं है, कॉन्सेप्ट है। 60 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है, 60 में से 40 कर लो। मैं बोलता हूँ 100% सिलेक्शन फिक्स है एम्स में, 60 में से 40 करो। फिर 40 में से बायोलॉजी में अगर 30 क्वेश्चन भी कर लेते हो या 25 भी कर लेते हो, 40 में से 25 बता रहा हूँ मैं, अगर कर लेते हो या 30 क्वेश्चन तो 65 हो गया, ठीक है। फिजिक्स में भी अगर 20 कर लेते हो या 25 तो 85 हो जाएगा, और केमिस्ट्री में 20 या 25 कर लेते हो, 25 लेकर के चलो तो 5 5 10, 40 में 25 बता रहा हूँ, 5 5 10, 8 2 10 और 1 11 110 आराम से हो जाएगा। 110 पे इजीली एम्स मिल जाएगा, एम्स दिल्ली नहीं मिलेगा पर एम्स 110 पे मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये 110 सिर्फ पीसीबी में आ रहा है, बाकी जीके में अगर 10 नंबर भी आता है ना, 20 में 10 नंबर भी 20 में, तो 120 आएगा, 120 में मिल जाएगा यार। मैंने खुद देखा है एम्स भोपाल में 114 नंबर 140 नंबर पे अच्छा खासा रैंक आया था, 600 के करीबन, 600 नहीं 1400 समथिंग, वो भी सी था कैटेगरी, एम्स भोपाल सीट मिल गया था, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, मेहनत करो सब कुछ होगा, ठीक है। और हार नहीं मानना, हार बिल्कुल कतई नहीं मानना, ठीक है। और जो बोलता हूँ बस उसको विश्वास करना उस पर। और देख लो पेपर आपके सामने है, सारा कुछ मैंने आपको एक एक चीज़ करवाया था, ठीक है, सारा कुछ जो जो टफ टफ है ये भी आपको बताया था, ठीक है। रूड ऑफ विल को ये देखो, रूड ऑफ विल को विरचो, ठीक है। और बायोलॉजी का नोट्स उठा करके देख लेना, वहाँ पे मिल जाएगा और यहाँ पे भी मिल जाएगा। पर यहाँ पर यही चीज़ है कि बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, तो ढूंढना पड़ेगा। एक बायोलॉजी का आपको मैंने 100 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन अपलोड किया था, 150 के करीबन, तो वो क्वेश्चन में उठा करके देख लो, 2 कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है। सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, वुमेन फिजियोलॉजी का, ठीक है, लैक्टोबेसिलस बायो कंट्रोल एजेंट, टेरिडोफाइट इवोल्यूशनरी होता है, बताया था, बोटनिकल गार्डन, ठीक है, सारा कुछ बताया था आप लोगों को। ये देख लो एंटीरियम जेनेटिक्स का नोट्स अगर आपको अपलोड हुआ होगा तो वो देख लेना, आप लोगों को मालूम चल जाएगा ये चीज़। पी वेव टी वेव मैक्सिमम क्वेश्चन जितना मैंने बताया था वहाँ से आया है, देखो यही था ना, सेमिनिफेरस ट्यूबुल रेटी टेस्टिस सारा कुछ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मैंने बताया और आ गया, तो ठीक है, अच्छा लगता है आता है तो। स्टेटिन वाला, साइक्लोस्पोरिन और स्टेटिन कौन सा क्या है, कौन सा क्या नहीं है, गोल्डन राइस, और आप लोगों का ये देख लेना जा करके नोट्स में, प्यूरिन में एडेनाइन और गोनानाइन होता है, यूरासिल आरएनए में होता है पर डीएनए में नहीं होता, थाइमिन डीएनए में होता आरएनए में नहीं होता, ये भी बताया था। चारगाफ्स रूल भी आपको बताया था, मतलब पूरा बेसिक पढ़ाते हुए आपको पूरा समझाया था कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज़ बताया था। डायरेक्शनल सबसे नहीं बनेगा यार, विश्वास करो ये क्वेश्चन सबसे नहीं बनेगा, ठीक है, स्टेबलाइजिंग होगा इसका। तो ये भी जेनेटिक इवोल्यूशन में बताया था आपको, इवोल्यूशन का क्वेश्चन है ये, और ये भी इवोल्यूशन में बताया था, ये भी इवोल्यूशन का। तो ये सबके पास की बात नहीं है क्वेश्चन इसको सही करके आने का, ठीक है, क्योंकि उतना टाइम नहीं रहता और उतना दिमाग लगाना आसान काम नहीं है, ठीक है। और फिजिक्स में आ जाओ, फिजिक्स में आप लोगों को एंगल ऑफ डीप, जाओ पेपर उठाओ 45 क्वेश्चन वाला मेरा मैग्नेटिक्स का, देख लो इस टाइप के क्वेश्चन है, डबल स्लिट के उठा करके देख लो, नोट्स उठा करके देख लो। डायरेक्ट बताया था पानी में डाल देने पे क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है, W=F.ds। अगर ये नोट्स नहीं दिया था पर वर्क एनर्जी पावर का एक क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन उठा करके देख लो, 45 क्वेश्चन किस लिए डाला था, इसी के लिए ना डाला था, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का बताया था कि मैंने कि आपका आएगा मैग्नेटिक फील्ड से ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि जेई मेन्स 2018 में पूछा था, जेई मेन्स 2018 में पूछा था, इसलिए मैंने बता दिया था कि रेडियस से आपका रिलेशन करके कुछ आएगा, ठीक है। टोटल एनर्जी पूछा हुआ है, ये भी बताया था आपको। थर्मल स्टेबिलिटी बार बार आपको बताया था, 10 बार बताया था कि भैया ये फॉर्मूला याद रखो, Q=KA(T2-T1)L इंटू टी, ठीक है, डेल्टा टी लिख दे रहा हूँ, ये चीज़ आपको मैंने बहुत बार बताया था। ये परसेंटेज कैसे निकालते हैं ये भी बताया था, डेल्टा ए बाई ए
और यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 से इंटू प्लस यहाँ पे ये है तो हाफ से इंटू डेल्टा बी बाई बी करके प्लस 1/3 इंटू डेल्टा सी बाई सी प्लस 3 इंटू डेल्टा डी बाई डी करके इसे बनाना था, ठीक है। 16% आंसर आएगा, ठीक है। ग्राफ देख लेना, इलेक्ट्रो स्टेटिक्स का ऐसा है ये क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड का है ये क्वेश्चन, ग्राफ उठा करके देख लेना। EMF इक्वल टू d∅dt होता है, ये भी है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन थे, लड्डू क्वेश्चन भी थे, ठीक है। जैसे ये लड्डू क्वेश्चन हो गया, ये देख लो ना, सेमीकंडक्टर का नोट्स डाला था, एक पन्ना का तो नोट्स था, उसमें बताया था कि पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। 5 मिनट में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया था, कितना मिनट में, 5 मिनट में फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया था, और उस 5 मिनट से 2 कॉपी एग्जैक्ट क्वेश्चन उठ करके आ गया, एक 4 मार्क्स का, ठीक है। उठा करके देख लो, सर्च मारो ना, 5 मिनट रिवीजन थर्मोडायनेमिक्स बाय फिजिक्स इन प्लेग्राउंड, मिल जाएगा आप लोगों को। और 5 मिनट में फिजिक्स पूरा का पूरा थर्मोडायनेमिक्स उठा के रख दिया था, और ये चीज़ बता दिया था कहाँ पे हीट क्यू कहाँ पे जीरो होता है, यू कहाँ पे जीरो होता है और डब्ल्यू कहाँ पर जीरो होता है। बस एडियाबेटिक में क्यू बराबर जीरो होता है, तो वहाँ पे नाइदर अब्सॉर्ब्ड नाइदर रिलीज्ड, ठीक है। तो यही सब है और ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, और ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।